ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश महासचिव कृष्ण चंद्र वर्मा के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में संगठन के प्रदेश महासचिव कृष्ण चंद्र वर्मा ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम के सुसंगत प्राविधान के अनुरूप कार्य कराए जाने हेतु प्रभावी आदेश दिया जाए तथा ग्राम प्रधान का मानदेय 15,000 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य करते हुए अलग से बजट की व्यवस्था किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को 20 लाख की लागत की परियोजनाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार दिया जाए और ग्राम प्रधानों के मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी को 25 लाख बीमा राशि प्रदान किया जाए तथा आवश्यक नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन ग्राम प्रधानों को विवेकाधीन कोष प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा डेवल्यूशन हेतु धनराशि का 70% अंश पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए। इस अवसर पर संगठन के मंडल अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार मिश्र, मंडल सचिव विजय यादव, जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, खजनी ब्लॉक के ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष सतेंद्र बहादुर सिंह उर्फ पप्पू सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के प्रदेश महासचिव कृष्ण चंद्र वर्मा ने कहा एक मंडल अध्यक्ष के द्वारा भी दिया जा रहा है, एक जिला अध्यक्ष, दोनों काफी दे दीजिए। हाँ दोनों काफी जी निकालिए, एक एक से दोनों देते जाइए कृष्ण चंद्र वर्मा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय पंचायत राज प्रधान संगठन। राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन पूरे प्रदेश में सारे जिलों में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन का मकसद है कि पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती और पंचायत प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा देना। जो नई पंचायत राज व्यवस्था लागू हुआ है इस देश में 73वां संविधान संशोधन के तहत, उसके तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण करके सत्ता की भागीदारी पंचायतों को दिया जाए और 29 विभाग पंचायतों के नियंत्रण में संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुसार दिया जाए और पंचायत प्रतिनिधियों को जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जैसे लोकसभा विधानसभा को है उसी तरह से पंचायतों को है, तो पंचायत प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाए। जनप्रतिनिधि का सम्मान, जनप्रतिनिधि का अधिकार और जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल कायम किया जाए और जो भी पंचायतों के संबंधित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, 14वां वित्त, राज्य वित्त, मनरेगा, उसमें जो भी आने वाली बाधाएं हैं उस बाधाओं को सरकार द्वारा ख़त्म किया जाए, विभाग द्वारा ख़त्म किया जाए। हमारे ज्ञापन पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार पूरा दृढ़ता से संज्ञान ले और अपने अधिकारी, अपने कर्मचारी को निर्देशित करें कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी विकास का कार्य किया जाए उसमें कोई भी बाधा आवे उसको मुस्तैदी से उसका निस्तारण किया जाए और पंचायती राज व्यवस्था के मजबूती के लिए जो नया अधिकार मिलना है, विकेंद्रीकरण व्यवस्था लागू करना है, कार्यधन कर्मी पंचायतों के नियंत्रण में आना है, पंचायतों को जनप्रतिनिधि का दर्जा मिलना है, उस जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल तय होना है, ये सारा का सारा चीज़ सरकार पंचायतों को मुहैया करावे, इस ज्ञापन का ही मकसद है और पूरे प्रदेश में हर जिले में यह ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग सरकार से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पंचायत मंत्री से। आज हमारे संगठन के ललित शर्मा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मिल रहे हैं और ज्ञापन के संबंध में बता रहे हैं कि हमारे ज्ञापन पर हर जिले से जो ज्ञापन आ रहा है उसका संज्ञान सरकार ले और उसका निस्तारण जल्दी से करें। जय हिंद, जय भारत।